हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिव्यू कॉर्नर बाय परवीन। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी आजियो के किड्स वियर का हॉल। इसके पहले भी मैंने एक आपके साथ शेयर किया था आजियो का किड्स वियर जो कि बेबी गर्ल का था। आज उसी का मैं कंटिन्यू करूंगी, उसी का आगे शेयर करूंगी। आप कह सकते हैं सेकेंड पार्ट है ये। बट ये जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है ये आफ्टर वन वॉश का है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल पाए। तो आज मेरे पास है ये सारे मेरी बेटी के टॉप हैं। ये है 12 to 18 मंथ की साइज़ है, येलो कलर में है, येलो एंड वाइट में शेड है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो फ्रंट पे इस तरह से ये बटरफ्लाई शेप में इस तरह से डॉल प्रिंट बनी हुई है, जो मशरूम बना हो मशरूम के ऊपर ये बैठी हुई है। प्रिंट वगैरह बहुत अच्छा है, फैब्रिक होजरी है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं ये बताना भूल गई थी पिछले वीडियो में भी और इस वीडियो में, ज़्यादातर जो इन फ्रेंड्स करके इनका ब्रांड है, जो इन फ्रेंड्स करके है, आप यहाँ पर देख पाएंगे इन फ्रेंड्स करके, ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं और इनकी क्लोथिंग अच्छी होती है, सॉफ्ट होती है बच्चों के अकॉर्डिंग। ये मुझे मिला था 80 रुपीज़ के नियर अबाउट, तो आप सोच ही सकते हैं कि कितनी अफोर्डेबल है। येलो कलर की है। उसके बाद है नेक्स्ट मेरे पास ये रेड कलर की टॉप। इस पे यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं ये शाइन लिखा हुआ है, सिक्वेंस का वर्क है, ये जो लेटर आपको यहाँ दिख रहा है ये सिक्वेंस वर्क है। केप स्लीव है और केप स्लीव के साथ इस तरह से ये रफल बने हुए हैं। ये भी फ्रेंड्स जो करके ब्रांड है उसका है। ये 6 to 12 मंथ का है साइज इसकी। वैसे तो मैं 18 से 24 महीने वाला ही ज़्यादातर मंगाती हूँ, लेकिन उसमें स्टॉक में नहीं था, ये मुझे पसंद आ रहा था और प्राइस भी ऑफर में आई थी। ये 60 या 63 रुपीज़ की मुझे मिली थी, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है तो इसलिए मैंने मंगा लिया। इसे बहुत प्यारी है ये, मेरी बेटी को ये बहुत पसंद आती है। ये और ये येलो टॉप उसे बहुत पसंद आती है। जब भी मैं अलमीरा अपनी ओपन करती हूँ तो उसे यही चाहिए होता है कि मम्मा मुझे ये पहनना है, ये पहनना है। तो कभी वो पसंद करती है, कभी ये, ज़्यादातर वो यही पसंद करती है। इसके बाद है ये मेरे पास फुल स्लीव की ये वाली टॉप। ये भी सेम ब्रांड की है फ्रेंड्स करके जो आती है, और 12 to 18 मंथ की है इसकी साइज़। यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्लीव इसकी प्लेन फुल है, बैक की तरफ कोई प्रिंट नहीं है। फ्रंट पे आपको ये प्रिंट मिल जाता है और प्रिंट के साथ ही ये कुछ सीक्वेंस वर्क मिल जाते हैं, जो सन बना हुआ है सीक्वेंस से बना हुआ है। और ये जो बेबी इसके साथ कुछ बैठी हुई है, इसके पास जो फ्लावर शेप है यहाँ पे, ये भी सीक्वेंस है, बाकी ये सारा जो है वो प्रिंट है। फैब्रिक होजरी है, सॉफ्ट कम्फर्टेबल और प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल। ये भी मुझे मिली थी 63 रुपीज़ की ऑफर में। इसके साथ मैंने एक और मंगाया हुआ था, वो भी ऐसे ब्लू कलर के थे, यहाँ पे यूनिकॉर्न बना हुआ था, यूनिकॉर्न के ऊपर नेट फैब्रिक लगी हुई थी, उसके अंदर सीक्वेंस उन्होंने भरा हुआ था। वो जैसे ही मुझे रिसीव हुआ, मेरी बेटी को चाहिए यूनिकॉर्न वाला, चाहिए यूनिकॉर्न वाला, मैंने उसे पहना दिया और उन्होंने तुरंत वो नेट था तो फाड़ वड़ करके सारा सीक्वेंस निकाल के बाहर। तो अगर आपके बच्चे ऐसे बहुत ज़्यादा से, जनरली तो सबके बच्चे शैतानी करते ही हैं, तो बी केयरफुल इस तरह के प्रोडक्ट्स मंगाने से पहले आप देख लीजिएगा कि वो उन्हें पहनने तक सेफ रखेंगे या नहीं। तो इसलिए मैं वो आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसने बीच में से उसे फाड़ दिया है। वो भी 63 रुपीज़ की ही थी। उसके बाद है ये प्ले सूट, ये भी सेम ब्रांड की है फ्रेंड्स की, 12 to 18 मंथ का इसका साइज़ है। ये शोल्डर पे आप देख रहे हैं स्ट्रिप के साथ इस तरह से, ये इस तरह से रफल वाली गैदर इस तरह से बनी हुई है, बहुत प्यारी लगती है। और यहाँ फ्रंट से आप देख रहे हैं ओपन करने के लिए आपके साथ बटन लगी हुई है, आप यहाँ से ओपन करके आराम से पहना सकते हैं। फ्रंट पे भी ऐसे आपको रफल मिल जाती है दोनों साइड में, और यहाँ नीचे की तरफ भी इसी तरह की रफल मिल जाती है। ये भी प्रिंटेड है, लाइट ऑरेंज में है, इस ऑरेंज के ऊपर एलिफेंट और फ्लावर लीफ इन सारी चीज़ों की प्रिंट्स बनी हुई है, बहुत प्यारी लगती है।
प्राइस तो मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, बट बहुत कंफर्टेबल और अफोर्डेबल, क्योंकि मैं जो भी मंगाती हूँ ऑफ़र में अफोर्डेबल ही प्राइस पे मंगाती हूँ। उसके बाद है ये भी एक प्ले सूट ही है। यहाँ पे नेक के पास इसके प्लीट्स बनी हुई है, गैदर्स बनी हुई है कॉटन वाली फैब्रिक से, एम्ब्रॉयडरी वाली कॉटन फैब्रिक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा पैरेट मिट्ठू बना हुआ है, ये अलग से लगाया हुआ है, हार्ड मटेरियल का है, अलग से लगा है, प्रिंट नहीं है ये। येलो वाइट में आप देख पा रहे हैं स्ट्रिप है यहाँ पे। और ये वेस्ट के पास इस तरह से रिबन की तरह बनी हुई बो लगी हुई है और दोनों तरफ इस तरह से पॉकेट्स बने हुए हैं। इसका बैक का डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया था, इस तरह से वी शेप में डीप नेक बनी हुई है। छोटे बच्चों को इस तरह के ड्रेसेस पहने बहुत प्यारे लगते हैं। सेम फैब्रिक की यहाँ से शुरू होकर के फ्रंट पे जा करके नेक पे जो रफल्स बनी हुई हैं वो ऐसी है, बहुत प्यारी है ये। ये भी सेम ब्रांड की है फ्रंट्स की, और सेम ये भी 12 to 18 month की है, बहुत प्यारी है ये वाली भी, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद एक और प्ले सूट है मेरे पास, ये भी मुझे बहुत पसंद आया था, वो ये है। ये जीन्स फैब्रिक में है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस तरह से नियॉन ऑरेंज में कलर का जो शेड है नियॉन का, यहाँ पे आपको इस तरह टाई करने के लिए मिल जाता है। यहाँ से आप दोनों शोल्डर पे अपने अकॉर्डिंग लूज या टाइट जैसे चाहें वैसे टाई कर सकते हैं। नेक ऐसे वी नेक है, फ्रंट और बैक पे दोनों सेम एक ही जैसा है। और यहाँ से ब्रॉड है इसका जो नीचे का पार्ट है, हेम लाइन जो है इसकी लेग की ब्रॉड है प्लाजो टाइप की, तो बहुत अच्छी लगती है। इसके साथ मुझे मिला था ये टॉप वाइट कलर का, धुलना धुलना सा दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा। यहाँ पे भी आपको प्रिंट दिख जाता है सेम नियॉन ऑरेंज से ही। ये भी सेम फ्रेंड्स ब्रांड की ही है, 2 to 3 year वाले इसमें साइज में थी, बट मुझे पसंद आ रही थी तो मैंने मंगा लिया, थोड़ा बड़ा ही है बट मंगा लिया मैंने। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लीव पे रफल बनी हुई है दोनों तरफ, आप चाहें तो इसे ऐसे ही पहनाइए या फिर किसी और टॉप के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बनाइए, या फिर आपको अगर सेम इसी टॉप के साथ आपको कॉम्बिनेशन बनाना है तो इसी के साथ बना सकते हैं। बहुत प्यारी है ये भी, बहुत ही प्यारी। ये आई थिंक मुझे 200 में लगभग मिली थी ये मुझे, तो इतने प्राइस में बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है और क्वालिटी वगैरह भी बहुत अच्छी है। तो आज का था ये हॉल जो मेरी बेटी का था, अजियो का किड्स वियर का हॉल, और इसके बाद भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने बेटे का किड्स वियर का हॉल, जो कि वो भी आजियो का और अमेज़न का होगा। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, आप वीडियो एक भी वीडियो मिस ना करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।